बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफजल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस ऑनलाइन अर्निंग मेथड की बात करने जा रहे हैं, इसके अंदर आपने आर्टिकल राइटिंग का वर्क करना है। वो लोग जो आर्टिकल राइट करना चाहते हैं, ये बेसिकली उनके लिए वीडियो खास होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी वेबसाइट का जिक्र करेंगे जिसको कुछ ही सेकंड्स में करोड़ों लोग विज़िट करते हैं। बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप एक अच्छा आर्टिकल लिख के दे सकते हैं तो यहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास पीसी है, तीनों में से कोई भी चीज़ है, आप आसानी ये काम कर सकते हैं। किसी किस्म का मसला नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ऑनलाइन अर्निंग में, तो हमारे इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो मेथड हम बताने जा रहे हैं, आराम से सीख के आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। वो लोग जो हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर रेगुलर डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक मेथड को सीख के, किसी एक स्किल्स को अडॉप्ट करके आप ऑनलाइन अर्निंग का एक सोर्स बना सकें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई इस टाइप की वीडियो अपलोड करें तो फौरन आप तक पहुँच सकें। चलते हैं जी अपनी आज की वीडियो की तरफ, और आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने आर्टिकल्स लिखना है और ये कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर जाकर ये सारा काम आपने सरंजाम देना है। जी तो हम गूगल पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे जी टॉप कंटेंट। जैसे हम टॉप कंटेंट लिखेंगे तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है। 0.35 सेकंड्स के अंदर 2,37,00,000 लोगों ने इस वेबसाइट को विज़िट किया हुआ है। यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे जी, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस वेबसाइट का मेन इंटरफेस सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखें, इसको रीड आउट करें, आपके सामने हर एक चीज़ मौजूद है। ये इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जो इसके साथ अटैच्ड हैं, और यहाँ पे तमाम इस वेबसाइट के फीचर्स हैं जिनको आप रीड आउट कर सकते हैं। और ये वो सर्विसेज ये वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है। अगर आपने ट्रांसलेशंस के रिलेटेड कोई चीज़ करनी है कर सकते हैं, अगर आपने वेबसाइट ट्रांसलेशंस के सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अगर आपने आर्टिकल्स लिखना है, ब्लॉग पोस्ट बनानी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी टैक्स, प्रोडक्ट रिव्यूज़, ब्रांड टैक्स, ट्रैवल कंटेंट, आपके पास डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, आप इनमें से किसी को भी चूज़ करके यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि आज हम बात करने लगे हैं आर्टिकल राइटिंग की, तो हम उसके ऊपर ही फोकस करेंगे, फिर कभी हम किसी दूसरी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो आर्टिकल राइटिंग है, इसके ऊपर ही हम रहेंगे जी। तो आगे हम चलते हैं जी, आपको मज़ीद में चीज़ें दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस वेबसाइट का कोई स्कैम तो नहीं है, इस वेबसाइट की रेटिंग्स क्या है, इसका ट्रस्ट स्कोर क्या है। तो उसके लिए हम चले जाते हैं जी स्कैम एडवाइज़र पे। यहाँ पे जाके देखें जी, इस वेबसाइट का जो ट्रस्ट स्कोर है वो हाई है और 100 out of 100 है। मीन्स के यहाँ पे डाउट की गुंजाइश ही नहीं है, आप यहाँ पे आएँ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं। आगे आप देख लें जी, अगर हम ट्रस्ट पायलट पे जाते हैं तो ट्रस्ट पायलट भी इसका स्कोर जो है 4.2 शो कर रहा है आउट ऑफ 5। मीन्स के ग्रेट स्कोर है और एक वेरीफाइड कंपनी है। इस तरह मैं आपको सिमिलर वेबसाइट के ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट 2013 से काम कर रही है। मीन्स की एक पुरानी वेबसाइट है और प्रॉपर वे में ये काम कर रही है और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि इस वेबसाइट के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो ना तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, ना ही हमारी मेहनत ज़ाया होगी। अगर हम टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली हमें उसके एवज पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये ऊपर देखें जी, यहाँ पर लिखा हुआ है जी फ्रीलांसर्स, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है वो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। हम उसको देखते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और सारी चीज़ों को रीड आउट करने के बाद मज़ीद आगे चलते हैं। जैसे हमने फ्रीलांसर पे क्लिक किया तो हमारे पास न्यू विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है जी फ्रीलांस राइटिंग एट टॉप कंटेंट बिकम अ राइटर। ठीक है, और यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं और अपनी राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिट्स देख रहे हैं जी, बेनिफिट लिखा हुआ, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू विल हैव एक्सेस टू रिसोर्स एंड रिसीव फीडबैक, यू विल डिसाइड व्हेन टू वर्क एंड हाउ मच वर्क टू टेक ऑन। ये आपके ऊपर है, कहाँ पे काम करना चाहते हो, कब काम करना चाहते हो, कितना काम करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। जितना काम करेंगे उतने ज़्यादा यहाँ से अर्न कर सकेंगे। क्लियर है जी, ये मज़ीद नीचे इनके चीज़ें लिखी हुई हैं जी। अगर आपने मज़ीद बेनिफिट्स पढ़ने हैं तो ये बेनिफिट्स के लिखे हुए हैं, टॉपिक्स टू राइट, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये नीचे सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनके ऊपर आप राइट कर सकते हैं। ओके जी, मैं यहाँ से साइन अप करता हूँ
और साइन अप करने के साथ फिर हम आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे और कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैं लिखूंगा जी फर्स्ट नेम अपना, फिर यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे जी अपना, आफ्टर दैट ईमेल एड्रेस दे देंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड जनरेट कर लेंगे अपना, यहाँ पे लिखा हुआ जी क्लाइंट फ्रीलांसर एफिलिएट, तो हम एज ए फ्रीलांसर यहाँ पे आए इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एग्री पे क्लिक करके साइन अप कर देंगे जी। तो जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ये कह रहे हैं जी आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर हमने एक मेल सेंड की है, वहाँ से जाकर इसको वेरीफाई करें, तो हम अपने ईमेल एड्रेस पे चले जाएंगे जो दिया था। ये देखें यहाँ पे इनकी ईमेल आई हुई है जी, इसको हम कंफर्म कर देंगे। जैसे हम कंफर्म करेंगे तो ये हमें वापस उस विंडो के ऊपर ले जाएगा और हम वहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लें किया हुआ जी कंप्लीट साइन अप, इसको कंप्लीट करें जी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है, इसको हम ओके कर देते हैं जी। यहाँ से जो पूछ रहा है जी आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, तो हम यहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। और हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, इनके बारे में आपने किसना सुना जी ये बता दीजिए। गूगल सर्च से कह देते हैं जी हमने गूगल सर्च से पता चला है जी। व्हाट आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फॉर यू, इसमें से हमने टॉपिक्स चूज कर लेने हैं जो जो आपके टॉपिक्स हैं, जिस तरह एजुकेशन है, फिनांस है, और हम यहाँ से हमें रिसोर्सेज का कर लेते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चूज कर लीजिएगा, ई कॉमर्स है, मार्केटिंग है, क्योंकि इसके रिलेटेड फिर आपके पास आर्टिकल्स आया करेंगे। ठीक है, और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे जी, इसको भी यस कर देंगे, इसको भी यस कर देंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, जैसे हम सबमिट कर देंगे स्टार्ट बटन, यू विल हैव 20 मिनट्स टू कंप्लीट द टेस्ट। इसके बाद आपका एक टेस्ट स्टार्ट होगा, आपने उसका टेस्ट जो है कंप्लीट करना है। और टेस्ट आपने किस तरह कंप्लीट करना है जी मैं आपको बता देता हूँ। 20 मिनट होंगे हमारे पास, हम इसके लिए हेल्प लेंगे जी चैट जीपीटी की, और यहाँ से अब हम जल्दी से अपना टेस्ट कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस बिलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैट जीपीटी को कहेंगे जी ये एमसीक्यू टेस्ट है। ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे अपने आप को रेडी कर लें जी, हमने आपसे एमसीक्यू पूछने हैं। अब यहाँ पे जाके वन बाय वन हम इसको कॉपी करेंगे और इधर जाके पेस्ट कर देंगे और सर्च कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने इससे क्वेश्चन पूछा, उसने कहा जी ऑप्शन ए है आपके पास, हम यहाँ से ऑप्शन ए को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, और ओके कर देंगे। इस तरह हम नेक्स्ट चलते हैं जी, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं और डन कर देते हैं। यहाँ पे हमें बता देगा कौन सा ऑप्शन आता है जी, यहाँ पे यहाँ बता रहा है जी ऑप्शन बी है, हम यहाँ पे ऑप्शन बी कर देंगे। इसी तरह ही हम नेक्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं जी, कॉपी, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे और इसको डन कर देंगे। यहाँ पे बता रहा है जी ऑप्शन बी है जी आपका, यहाँ पे हम ऑप्शन बी को चूज़ करेंगे, डन कर देंगे। आफ्टर दैट जी मैं फिर इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे देखते हैं जी ऑप्शन ए कह रहा है जी, मैं यहाँ पे ऑप्शन ए को चूज़ कर लूँगा। ठीक है, मैं जल्दी से ये टेस्ट को कंप्लीट करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें जी इसका सबसे जो मुश्किल मरहला था वो यही था कि आपने टेस्ट पास करना है, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मोस्टली लोग पास नहीं कर पाते क्योंकि इसकी वर्डिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो मैंने तो उस क्वेश्चंस पढ़े भी नहीं थे, कॉपी पेस्ट करता गया हूँ और उसके आंसर चैट जीपीटी से लेता रहा हूँ। ये इसका बिल्कुल आसान वे है कि आपने जब इसका टेस्ट क्लियर करना है तो चैट जीपीटी का यूज़ कीजिएगा, आप 100% मार्क्स के साथ यहाँ पर पास हो जाएंगे, किसी किस्म का कोई मसला आपको नहीं आएगा। जिस तरह मैंने आपके सामने किया है इस तरह ही आपने टेस्ट पास करना है। यहाँ पे जो बंदा भी आता है, जब वो टेस्ट देने की बारी आती है, टेस्ट में फेल होता है और उसके बाद रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वही लोग सिलेक्टिव लोग हैं जो यहाँ से
टेस्ट पास करते हैं और आके काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत कम है, क्योंकि टेस्ट पास नहीं कर पाते। तो मैंने आपको बता दिया है कि टेस्ट आपने किस तरह से पास करना है। टेस्ट पास करने के बाद आप इजीली ये काम कर सकते हैं जी। तो मैं अब स्टार्ट राइटिंग करूँगा, यहाँ पे आके स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक करूँगा। जैसे स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें जी, टॉप कंटेंट आपको यहाँ पे जितनी पेमेंट होगी वो यूरो में होगी। मैं यहाँ पे स्टार्ट टास्क कर देता हूँ जी। तो जैसे हम टेस्ट पास कर लेंगे तो हमारे पास ये मेन जो टास्क बोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके जो भी टास्क आएंगे आपने यहाँ से उनको हैंडल करना है। आपको कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए दिया गया, आपने उस आर्टिकल को लिख के यहाँ पे आगे आपने पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर लें, और सेव करने के बाद आप इसको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सेंड करने से पहले आपने अच्छे तरीके से उसको रीड आउट कर लेना है, क्योंकि सेंड करने के बाद किसी किस्म की आपको एडिटिंग की इजाज़त नहीं होगी, ना ही आप एडिट कर पाएंगे। और दूसरे नंबर पर आपको जो टाइम दिया जाएगा सबमिट करवाने का, आपने उस टाइम के अंदर अंदर ही उस चीज़ को सबमिट करवाना है। टाइम आपको 12 घंटे का दिया जाएगा, उसके अंदर रहते हुए आपने सारा काम अपना यहाँ पे सबमिट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी टास्क आपको दिया जाएगा उसके टास्क पेज भी बताई जाएंगी कि वो 1 यूरो का है, 2 यूरो का है, 10 यूरो का, जितना भी का भी होगा वो टास्क आपको बता दिया जाएगा। और आफ्टर दैट आपने उसको लिख के सबमिट करवा देना है। ये एक अथेंटिक वेबसाइट है, यहाँ पे वही बंदे आते हैं जो काम करना चाहते हैं और जिनको काम करना आता है। कोई भी बंदा यहाँ पे आके फ्री पब्लिक नहीं है कि आए और यहाँ पे काम करना शुरू कर दें, क्योंकि इनके जो टेस्ट का मेथड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और कोई भी टेस्ट इस तरह से पास नहीं कर सकता। ये मैंने आपको एक सिंपल सा वे बता दिया है किस तरह से आपने टेस्ट पास करना और किस तरह से आपने आके यहाँ पे काम करना है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी, आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ से लर्न की होंगी। अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप कुछ ऑनलाइन अर्निंग से अर्न करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट पे आके अपना काम करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप यहाँ से अर्न करना शुरू कर देंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई और आपने कुछ लर्न किया है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हम इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो आप तक फौरन पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।